हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास वन कंप्यूटर के चैप्टर 4 कंप्यूटर कीबोर्ड के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसके सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आज हम इसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। चलो देखो, हम पहले यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यूएसएसटी में, तो ये पहले हम डिस्कस करेंगे, देन एक्सरसाइज करेंगे। नंबर वन, हाउ मेनी अल्फाबेट कीज आर देयर ऑन ए कीबोर्ड। एक कीबोर्ड में कितने अल्फाबेट की होते हैं, मतलब जो लेटर्स होते हैं कि नहीं, ए टू जेड कितने होते हैं? 26 होते हैं, तो यहाँ पर 26 लिखना, ठीक है। देन नंबर टू, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड का जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के सबसे जो लॉन्गेस्ट की होता है, सबसे बड़ा की कौन सा होता है? स्पेस बार होता है। देखो ये लॉन्गेस्ट की है, सबसे लंबा और बड़ा है, तो यहाँ पर स्पेस बार लिखना, ठीक है। SPACEBAR, स्पेस बार। देन नंबर थ्री, हाउ मेनी एंटर कीज आर प्रेजेंट ऑन ए कीबोर्ड। एक कीबोर्ड में कितने एंटर की होते हैं? दो ठो होते हैं। एक कीबोर्ड हैज टू एंटर कीज, तो यहाँ पर टू लिखना। देन हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। नंबर वन, टिक द करेक्ट आंसर। हमको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। नंबर ए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नंबर कीज। इन तीनों में से II और III में से जो नंबर की है, वहाँ पर हमको टिक करना है। देखो ये कौन सा की है, ये नंबर की है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 लिखा हुआ है, ये सारे हैं नंबर की, तो यहाँ पर टिक करना, ठीक है। देन नंबर बी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अल्फाबेट की। अल्फाबेट की कौन सा है II और III में से? देखो ये तो नंबर की है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, और ये स्पेस बार है, और ये क्या है, ये है अल्फाबेट की, क्योंकि यहाँ पर A to Z सारे अल्फाबेट की या बटन्स है, तो यहाँ पर टिक करना, ठीक है। देन नंबर सी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटर की। इन तीनों में से कौन सा एंटर की है? देखो यहाँ पर एंटर लिखा हुआ है, तो II ये एंटर की है, तो यहाँ पर टिक देना ऐसे। देन नंबर डी, द लॉन्गेस्ट की ऑन ए कीबोर्ड इज। ये तीनों में से कौन से कीबोर्ड के एक लॉन्गेस्ट की है? देखो ये शिफ्ट की है और ये कैप्स लॉक है, तो ये है स्पेस बार लॉन्गेस्ट की है कि नहीं, तो यहाँ पर टिक देना। देन नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमको पूरा करना है, यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसको पूरा करना है। यहाँ पर क्लू बॉक्स दिया हुआ है, क्लू बॉक्स से हमको आंसर लेकर यहाँ पर लिखना है। तो नंबर ए, द स्मॉल बटन्स ऑन ए कीबोर्ड आर कॉल्ड। कीबोर्ड में जो छोटे छोटे बटन सारे होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको की कहते हैं, तो यहाँ पर की लिखना, KEYS, की, ठीक है। देन नंबर बी, द डेस्क की इज यूज टू एड ब्लैंक स्पेस स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। हम जब कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो उसके बीच थोड़ा थोड़ा स्पेस रखते हैं कि नहीं? थोड़ा थोड़ा जो स्पेस रखते हैं, स्पेस रखने के लिए हम कौन सी की को दबाते हैं? स्पेस बार को, तो यहाँ पर स्पेस बार लिखना। द स्पेस बार की इज यूज टू एड ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। देन नंबर सी, डेक्स इज द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मोनिटर। मोनिटर पर जो एक छोटा सा ब्लिंकिंग लाइन दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? उसको कर्सर कहा जाता है, तो यहाँ पर कर्सर को यहाँ लिखना, ठीक है। यहाँ पर कर्सर होगा CURSOR, तो यहाँ पर कर्सर लिखना। कर्सर इज द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मोनिटर। तो आप सभी बच्चों पेज नंबर 35 के चैप्टर 4 के नंबर 1 2 और यहाँ पर जो USST दिया हुआ है, UEST, ये अपने अपने बुक में इसका आंसर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।